और गाइस क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा यूनिवर्स 2 की गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन हेली से वेजिटा फाइट करने की परमिशन मांग लेता है, जिसके बाद वेजिटा अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन सुपर अल्ट्रा इगो ओजारू में बदल जाता है। और वेजिटा के इस भयानक रूप और उसकी इस भयानक ताकत को देखकर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन हेलिस कहती है, मुझे अब सब कुछ समझ आ रहा है कि तुम जैसा एक मॉर्टल मुझ जैसी विनाश की देवी से आखिर यहाँ लड़ने के लिए कैसे आ गया, क्योंकि तुम्हारी इस हिम्मत के पीछे तुम्हारी ये जबरदस्त ताकत थी। तुमने एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफी अच्छी ट्रेनिंग ली है जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल की है। यही वजह है कि तुमने मेरे सामने लड़ने का प्रस्ताव रखा। और हेलिस की इस बात पर वेजिटा कहता है, लॉर्ड हेलिस, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं आप जैसी देवी का बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप जैसी देवी से लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकूँ। इसीलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके मुझ जैसे मॉर्टल को लड़ने का मौका दीजिए। और वेजिटा की इस बात पर हेलिस कहती है, वेजिटा इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बाद भी तुम्हारे कहने के अंदाज में 1% का भी घमंड नहीं है, मैं तुम्हारी बात से सहमत होकर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूँगी। और इतना कहने के बाद हेलिस अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगती है, जिसके बाद उसकी बॉडी पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सिंबल आ जाता है। और फिर हेलिस वेजिटा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आ जाती है और अचानक से वेजिटा पर एक बहुत ही तेज़ लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेजिटा हेलिस के उस लात को डॉच कर जाता है। और तुरंत ही वेजिटा हेलिस पर एक बहुत ही तेज पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेजिटा पंच ना करके एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हेलिस पर कर देता है। और वेजिटा के ऐसा करने की वजह से हेलिस जाकर गिरने वाली होती है, लेकिन हेलिस अपने आप को संभाल लेती है, जिसके बाद हेलिस वेजिटा से कहती है, आखिर ये क्या था, तुम मुझ पर पंच करने के लिए आगे बढ़ रहे थे लेकिन फिर तुमने अचानक से मुझ पर एनर्जी ब्लास्ट क्यों किया, क्या ये तुम्हारे लड़ने की कोई नई चाल है। और हेलिस की इस बात पर वेजिटा कहता है, नहीं लॉर्ड हेलिस, दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस लड़ाई को इसी दिशा में ले जाना चाहता हूँ। और वेजिटा की इस बात पर हेलिस कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कह क्या रहे हो, भले ही शायद तुम मुझसे स्पीड के मामले में आगे हो, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाते हो। और हेलिस की इस बात पर वेजिटा कहता है, तो फिर ठीक है लॉर्ड हेलिस, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं इस लड़ाई को किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वेजिटा अपना एक बहुत ही पुराना हमला तैयार करता है, जिसे देख कर गोकू कहता है, क्या सच में, मुझे लगा था कि वेजिटा अपने इस हमले को भूल चुका है, ये हमला मुझे याद है, ये हमला वेजिटा के सबसे ताकतवर हमलों में से एक है, और वेजिटा ने यहाँ तक कि मुझे अपने इस हमले के बारे में बताया भी है। वेजिटा अपने इस हमले को कहता है बिग बैंग अटैक। और गोकू के इस बात का जवाब देते हुए वेजिटा अपना हमला बनाते हुए कहता है, क्या बात है कैकोरोट, तुम्हें मेरे इस हमले के बारे में याद था, जबकि मैं इस हमले का इस्तेमाल इस बार तुमसे लड़ते वक्त करने वाला था, लेकिन चिंता मत करो कैकोरोट, अभी के टाइम पर मैं अपने इस बिग बैंग अटैक पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत तुम्हारे टाइम पर करूंगा। और इतना कहते हुए वेजिटा अपना बिग बैंग अटैक तैयार कर लेता है। और वेजिटा के इस हमले को देखकर हेलिस भी एक बहुत ही बड़ा हकाई का एनर्जी बॉल तैयार करती है, और दूसरी तरफ वेजिटा अपना बिग बैंग अटैक हेलिस पर कर देता है, और वेजिटा के तुरंत बाद ही हेलिस भी अपना वो हकाई एनर्जी बॉल वेजिटा के बिग बैंग हमले पर करते हुए कहती है, मैंने इस बार अपने इस हमले को अपनी पूरी ताकत लगा कर बनाया है, और अब इस लड़ाई का फैसला स्पीड से नहीं ताकत से होगा। और हेलिस अपने हमले पर ताकत लगाते हुए इतना कह रही होती है कि तभी हम देखते हैं वेजिटा का बिग बैंग अटैक हेलिस के हकाई एनर्जी बॉल पर भारी पड़ रहा होता है। भले ही वेजिटा के बिग बैंग अटैक में ज्यादा ताकत है, लेकिन हेलिस के हकाई एनर्जी की वजह से वेजिटा का बिग बैंग अटैक धीरे धीरे पूरी तरह से इरेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है, और वेजिटा के बिग बैंग अटैक की वजह से ही उस विस्फोट में हेलिस का भी हकाई एनर्जी बॉल पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। और ये देखकर हेलिस वहाँ खड़े रहकर कहती है,
नामुमकिन, मेरे उस ताकतवर हमले को इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। और अब जब तुमने मुझे यहाँ तक मजबूर कर ही दिया है, तो क्यों ना तुम अब कॉस्मो की सबसे तेज निशानेबाज का भी सामना कर ही लो। और इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अब जो होने वाला है इससे तुम्हारा अस्तित्व भी मिट सकता है। तो मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्या तुम्हें मुझसे और आगे लड़ना है? और हेलिस की इस बात पर वेजिटा कहता है, वैसे लॉर्ड हेलिस, मैं आपको बता दूं, मैं इस लड़ाई को इसी दिशा में लाना चाहता था ताकि आप अपने धनुष और बाण का इस्तेमाल करें। यही वजह है कि शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने आप पर एक भी पंचेस नहीं किए। और वेजिटा की इस बात पर बीरस वहां खड़े रहकर कहता है, सच में ये सेयंस लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जबकि वेजिटा को पता है कि इसमें बहुत खतरा है। और बीरस की इस बात पर विस कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेजिटा को लॉर्ड हेलिस के धनुष और तीर के हमलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जितना सेयंस लड़कर ताकतवर बन जाते हैं उतना ट्रेनिंग करके ताकतवर नहीं बन पाते। और विस वहाँ खड़े रहकर इतना कहता ही है कि तभी हेलिस कहती है, ये जानते हुए कि मेरे उस धनुष और तीर की वजह से कॉस्मो के किसी भी मॉर्टल को उसके अस्तित्व से मिटाया जा सकता है, यहाँ तक कि देवताओं का भी अस्तित्व मिटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तैयार हो जाओ। और इतना कहते हुए हेलिस अपनी पावर से धनुष और तीर को ले आती है। और हेलिस के ऐसा करने के बाद बीरस वेजिटा से कहता है, वेजिटा, यहाँ ताकत काम नहीं आती है, ये मत सोचना कि तुम ज्यादा ताकतवर हो तो तुम पर हकाई एनर्जी का तीर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तुम्हारा भी अस्तित्व मिटाया जा सकता है। और बीरस की इस बात को सुनकर वेजिटा अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और वेजिटा की बॉडी से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलिस अपना एक हकाई तीर वेजिटा पर चला देती है, लेकिन वेजिटा तुरंत ही एक हकाई ब्लास्ट हेलिस के उस हकाई तीर पर कर देता है। और ये देखकर एक ही वक्त पर हेलिस कई सारे हकाई तीर वेजिटा पर चला देती है, और उन सभी हकाई तीर को अपनी तरफ आते देखकर वेजिटा मन ही मन कहता है, अगर मुझे अल्ट्रा इंस्टिंट आती तो शायद मेरी ऐसी नौबत नहीं आती, लेकिन लॉर्ड हेलिस के ये तीर मुझसे ज्यादा तेज नहीं। और मनीमन इतना कहने के बाद वेजिटा हेलिस के सभी हकाई तीर को डॉच कर जाता है, और यहाँ तक कि हेलिस के एक हकाई तीर को पकड़कर वेजिटा अपने हाथ से तोड़ देता है। और ये देखकर हेलिस कहती है, कॉस्मो के सबसे तेज निशानेबाज का तीर अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देना ये कोई आम बात नहीं, मैं हार मानती हूँ वेजिटा, और अगर तुम्हें हकाई तीर लग भी जाता तो भी तुम्हें अस्तित्व से मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हकाई तीर के टूट जाने के बाद हकाई एनर्जी भी खत्म हो जाती है, और वेजिटा तुम तीर को तोड़ने की ताकत रखते हो। और हेलिस के इतना कहने के बाद विस वहाँ खड़े रहकर कहता है, अलविदा लेने का वक्त आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड हेलिस। और विस के इतना कहने के बाद वेजिटा भी कहता है, जी हाँ लॉर्ड हेलिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है आपकी वजह से मैं पहले से ज्यादा ताकतवर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, या सीधी भाषा में कहूँ, आपके हकाई तीर की वजह से मुझे और ज्यादा ताकतवर होने पर मजबूर होना पड़ा। और विस और वेजिटा की इस बात पर हेलिस कहती है, सच कहूँ यूनिवर्स 7, आपके यहाँ आने पर मुझे बहुत खुशी हुई, और गोकू तुम तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए होगे। और हेलिस की इस बात पर गोकू सिर्फ दांत निकाल के हंस रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर विस तुरंत खड़े रहकर कहता है, लॉर्ड हेलिस और मेरे भाई सोर, उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात फिर हो। और इतना कहने के बाद विस, बीरस, गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 2 से चले जाते हैं। और रास्ते में गोकू कहता है, तो विस अब हम किस यूनिवर्स में जा रहे हैं? और गोकू की इस बात पर विस रास्ते में कहता है, अब हम जा रहे हैं यूनिवर्स 3 के पास, एक ऐसा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिस पर कोई भी हमला काम नहीं करता। और विस की इस बात पर गोकू कहता है, तो विस हम उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे हराएंगे? और गोकू की इस बात पर विस कहता है, गोकू तुम्हारे इस सवाल का जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा, और देखा जाए तो पूरे मल्टीवर्स में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास लड़ने के लिए काफी अलग अलग तरीके हैं, और बचे हुए कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा ताकतवर भी हैं। एग्जाम्पल के लिए लॉर्ड हेलिस के हकाई तीर काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन लॉर्ड हेलिस इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। और विस की इस बात पर वेजिटा कहता है, तो
तो गाइस अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए